हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में फिर से आपका। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बोया M1 माइक्रोफोन का, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए सबसे अच्छा बचत वाला माइक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खोलते हैं इस पैकेट को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर से निकल कर आता है एक बोया M1 का बक्सा, जो कि बहुत ख़राब हालत में है, क्योंकि इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। ये बहुत ख़राब बात है, इसमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसमें अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया है तो इसमें आपका प्रोडक्ट ख़राब होने का भी संभावना होता है। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर का सामान सही सलामत है या नहीं। और इसके अंदर से निकल कर आता है कुछ एक छोटा सा बैग और कुछ पेपर्स, जो कि इसका गाइडलाइंस कुछ है। और ये देख के मुझे लगता है ये प्रिंट आउट करके दिया हुआ है, शायद सेलर से एक हो गया था। तो इसको हम साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ देखते हैं। और ये कुछ बोया की तरफ से है, जो कि चाइनीज़ में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये है बोया की तरफ से एक वारंटी कार्ड, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। हम इसको बाद में देख लेंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं असली माइक्रोफोन को, और इसमें कुछ है सामान, इसको हम साइड में रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब ये है असली माइक्रोफोन, जो कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वायर है इसका, ये लगभग 20 फीट का है। और इससे आप दूर रह के भी अपना कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये बहुत दूर तक जाते हैं। इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। और अगर आप ये ख़रीदते हैं तो आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका वायर बहुत लंबा है, आपको वायर के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। और आप देख सकते हैं इधर पे एक स्विच है, जो कि आप अगर कैमरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको कैमरे में ऑप्शन में डालना होगा, और अगर आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको स्मार्टफोन वाला ऑप्शन में रखना पड़ेगा। और अभी आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें सबसे पहले आपको मिलता है एक स्पॉन्ज, जो कि आपको माइक्रोफोन में लगाना है, जिससे आपका वॉइस फिल्टर होगा। और उसके बाद मिलता है एक छोटा सा बैटरी, और उसके बाद एक क्लिप, जो कि आप अपने टी शर्ट के साथ अपना माइक्रोफोन को लगा सकते हैं। और उसके बाद और एक मिलता है आपको एक एडाप्टर, जो कि आप कोई बड़ा एम्पलीफायर ये सब में लगा सकता है। ये बहुत अच्छा बात है, आप किसी बड़ा एम्पलीफायर में भी लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है इसको। आप इसको इसके पीछे में डाल दीजिए, डालने के बाद आप इसको अपना बड़ा एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ इसको बैटरी कैसे लगाना है इसमें। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और उसके बाद आप इसको खोलना है। सबसे पहले आपको घुमाने से खोल जाएगा, और उधर पर आपको बैटरी लगाने का जगह दिख जाएगा। और अच्छी बात ये है कि आपका एक बैटरी से आपका 9 महीना चला जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको, 9 महीना आराम से एक बैटरी से चला जाएगा। और अगर आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप अपना आसपास में कोई भी दुकान में चले जाइए, उधर पे आपको ये बैटरी मिल जाएगा, 5-6 रुपया लेगा बैटरी का। और आपका माइक अगर कुछ दिन बाद प्रॉब्लम देने लगा तो ये मत सोचिए कि माइक ख़राब हो गया, आप जाके एक बार बैटरी चेंज कर लीजिए, आपका माइक बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर से। अगर ये बैटरी ख़त्म हो जाता है तो इसका पावर थोड़ा कम हो जाता है, तो आप बिल्कुल चिंता करने का बात नहीं है। ऐसे करके आपको लगा देना है, लगाने के बाद आपको ढक्कन बंद कर देना है। अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसका वायर कितना लॉन्ग है, इसका सामने वाला वायर भी बहुत लॉन्ग है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं कितना लॉन्ग है ये। और मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ, और ये लग गया। अभी मैं आपको पीछे वाला वायर भी खोल कर दिखा देता हूँ कितना लॉन्ग वायर है वो, आप भी देख लीजिए। अगर आप ये ख़रीदते हैं तो आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, अगर आप इसे उल्टा पुल्टा रख देंगे तो आपका वायर ख़राब हो जाएंगे। तो आपका अच्छा होगा कि आप इसे ना खोलें और इसे फोल्ड करके रखें। इसको आप देख सकते हैं कितना लॉन्ग है ये, लगभग 20 फीट का है ये। अभी खोला तो अभी मेरे इधर कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप ज़्यादा इससे ना खोलें, फोल्ड करके रखिए। अगर आपको ख़रीदना है तो नीचे में लिंक मिल जाएगा, उधर जाकर आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।